गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं तृप्ति वर्मा, एडी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज गोरखपुर की इंग्लिश की टीचर हूँ। मैं वहाँ हाई स्कूल लेती हूँ। आज मैं आपको आपके सिलेबस का द साम ऑफ लाइफ पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पोएम पढ़ने के पहले आइए हम लोग पोएट्री के पर्पस को जानते हैं। टू रिसाइट द पोएम विद प्रॉपर प्रोनंसिएशन। पोएट्री लिखने का मेन मकसद होता है कि किस तरह से हम उसके शब्दों को प्रोनाउंस करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं। टू फैमिलियराइज स्टूडेंट्स विद द प्रॉपर राइम स्ट्रेस एंड इनोटेशन। पोएट्री में, कविता में किस शब्दों को कहाँ स्ट्रेस देना है, कहाँ उसको हाईलाइट करना है, ये सारी चीजें पोएट्री के पर्पस में आती है। टू डेवलप द स्किल ऑफ इमेजिनेशन। पोएट जब कविता लिखता है उसकी कोई इमेजिनेशन होती है। पोएट्री का पर्पस ये भी है कि हम उस पोएट के इमेजिनेशन के साथ खुद को ले जाएं, उसके साथ तालमेल बैठाएं, तभी पोएट्री का मजा आता है, उसका सही हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। टू एंजॉय द एस्थेटिक सेंस ऑफ पोएम। पोएट्री का जो सौंदर्य है, जो अनुभूति है, पोएट क्या कहना चाहता है, इसका भी समझने में हमको पोएम मदद करता है। ये तो थे बच्चों हमारे पोएट्री के पर्पस। अब हम इस पोएम के पर्पस में यानी ऑब्जेक्टिव्स पर आते हैं। द साम ऑफ लाइफ, इस पोएम का क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है। टू मेक द स्टूडेंट्स फेमिलियर विद द पोएम एंड इट्स मीनिंग। बच्चों को, आपको इस पोयम के मीनिंग से और इस पोयम से रूबरू करवाना, सामना करवाना, इसके मतलब को समझाना। द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्रिशिएट एंड रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। बच्चों, जब हम ये पोयम द साम ऑफ लाइफ का मतलब समझ जाएंगे, तब हम अपने मानव होने की असली महत्व को भी, इसके इम्पोर्टेंस को भी समझ पाएंगे और मानव होने का हम गौरव महसूस कर पाएंगे। टू इनेबल स्टूडेंट्स टू रिसाइट द पोएम विद करेक्ट राइम एंड रिदम। कविता लिखते वक्त एक राइम चलती है, लाइनिंग की राइमिंग चलती है, तो इस पोएम का मकसद है कि किस तरह से इसके करेक्ट राइम और रिदम को भी हम फॉलो करें। The students will be able to live their lives to the fullest every single day and every single moment. हमारी लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, प्रेशियस, हर किसी को नहीं मिलती। तो जब हम इस कविता के महत्व को, इसके सार को, इसके इम्पोर्टेंस को समझ जाएंगे, तब हम अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर पाएंगे, उसका हर एक पल बहुत अच्छे तरीके से जी पाएंगे। बच्चों, अब हम इस कविता के, इस पोएम के पोएट के बारे में भी जान लेते हैं। इस पोएम को किसने लिखा, कब लिखा और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम हासिल करें। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्ग फेलो, इन्होंने द पोएम साम ऑफ लाइफ लिखी। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्ग फेलो वॉज द मोस्ट पॉपुलर अमेरिकन पोएट इन द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के एक बहुत फेमस पोएट थे। पोएट होने के साथ साथ ये एक एजुकेटर भी थे और इनका जन्म 27 फरवरी 1807 यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। 24 मार्च 1882 यूनाइटेड स्टेट्स में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं जिसमें इम्पोर्टेंट है पॉल्स रिवर्स राइट, द सॉन्ग ऑफ हाइवाथा, फुटस्टेप्स ऑफ द एंजल्स और बहुत सारी कृतियां इनकी हैं। और बच्चों, द साम ऑफ लाइफ जो हमारे सिलेबस में है उसको तो हम आज पढ़ेंगे ही। साम ऑफ लाइफ, द साम ऑफ लाइफ इज एन इंस्पिरेशनल पोएम रिटन बाय अमेरिकन पोएट हेनरी वुड्सवर्थ लॉन्ग फेलो। बहुत ही इंस्पिरेशनल पोएम है, बहुत ही मोटिवेटिंग है, ये हमको प्रेरणा देती है।
A psalm is a religious or sacred hymn or song. Psalm of life, psalm का मतलब क्या होता है? Psalm का मतलब होता है religious song या hymn, जिसे हम लोग धार्मिक स्तुति कहते हैं। लेकिन इस कंटेक्स्ट में यहाँ जहाँ पोएट ने ये पोएम लिखी है और ये नाम रखा है इसका, यहाँ पर psalm का मतलब होता है a song of life. Where the poet glorifies life and its possibilities, telling that life is precious. यहाँ पर psalm का मतलब poem के poet के लिए song of life है, जहाँ वो मानव जीवन को बहुत ही विस्तृत ले जाते हैं, glorify करते हैं। उनका कहना है कि human life सिर्फ life मरने और जीने तक ही नहीं है, उसके आगे भी life है। It should not be spent idly. Human life, since it is precious, it should not be spent idly. हम लोग आलस के साथ केवल बैठ कर अपने लाइफ को नहीं जी सकते। The poet believes soul to be immortal. Human body dust से बनी है, मिट्टी से बनी है, मिट्टी में मिल जाएगी, रियालिटी है, लेकिन हमारा soul immortal है, वो मरने के बाद भी रहता है। He urges the youths to serve as an inspiration to other. Poet युवाओं को, young men को ये चाहते हैं कि वो लोगों के लिए as an inspiration सामने आए, ताकि लोग उनको देखकर कुछ सीखे, कुछ सबक ले और अपनी life खुशहाली के साथ जिए। He says that we can do our duty only. We have no control over its result. Poets जब ये poem लिखते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे हाथ में सिर्फ हमारा कर्म है, हमारी duty है। Result हम अपने हिसाब से manipulate नहीं कर सकते हैं, मोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा ही कुछ भागवत गीता में बच्चों भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। He asks people to face the ups and downs of life like a warrior. When he says, "In the world's broad backfield of battle," वो ये कहते हैं कि जो जिंदगी की उतार चढ़ाव है, जो हमारी खुशी गम है, उसका हम एक सोल्जर की तरह, एक वॉरियर की तरह सामना, क्योंकि ये दुनिया, अकॉर्डिंग टू ओन पोएट हेनरी वर्ड्सवर्थ, ये दुनिया एक बैटलफील्ड है, जहां हम टेम्पररी आते हैं, रहते हैं कुछ पल और अपना रोल करके फिर चले जाते हैं। ऑन द होल द पोएम इज वेरी एजुकेटिव एंड इन्फॉर्मेटिव। बच्चों अगर पूरी तरह से इस पोएम के सार को देखें, इसके समरी को देखें, तो ये पोएम बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही शिक्षाप्रद है, हमें बहुत सारे नॉलेज भी देती है। तो आइए बच्चों अब हम पोएम की ओर चलते हैं। द साम ऑफ लाइफ, अ सॉन्ग ऑफ लाइफ बाय पोएट हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। The grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest, is not spoken of the soul. Earnest yani jo sachcha hai, jo serious hai. Grave jahan hum marne ke baad jaate hain, kabre, दाव जो तुम के लिए इस्तेमाल होता है। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। बच्चों जो ये जिंदगी हमें मिली है वो सच्ची है, वास्तविक है और थोड़ी बहुत सीरियस भी। एंड द गोल इज नॉट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। जो ग्रेव है वो हमारा एंड नहीं है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। डस्ट thou art, to dust returnest. मानव जीवन है,
मानव शरीर है, मिट्टी से बना है, जाहिर सी बात है मिट्टी में ही मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हमारे सोल हमारी आत्मा के लिए नहीं कहा गया है। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। हमारी आत्मा मरने के बाद मिट्टी में मिल जाएगी, ये नहीं सही है। तो इस स्टैंजा में बच्चों हम लोग ये पाते हैं कि पोएट हेनरी वुडवर्ड्स लॉन्गफेलो ने लाइफ को रियल बताया है, वास्तविक बताया है और थोड़ा सीरियस बताया है। सीरियस कि उसे हम आइडली बैठकर हंसी मजाक में नहीं वेस्ट कर सकते, कुछ ऐसा काम करना है जिससे कि हम याद किए जाएं मरने के बाद भी। Not enjoyment and not sorrow is our destined end or way, but to act that each tomorrow finds us farther than today. Not enjoyment and not sorrow is our destined. Destined यानी जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। Act जो हम कर्म करते हैं, जो कार्य करते हैं। Farther जो हमें आगे की ओर ले जाएगा, प्रगति के मार्ग पर ले जाएगा, प्रोग्रेस के रास्ते पर ले जाएगा। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, पोएट का कहना है कि सिर्फ खुशी और गम ही हमारे लाइफ का मकसद नहीं है। ह्यूमन है, जन्म लिए हैं, तो ये दोनों चीजें तो रहेंगी, लेकिन जिंदगी का असली मजा तभी है जब ये दोनों बैलेंस हैं। सिर्फ खुशी महसूस करने वाले लोगों के लिए गम का महत्व नहीं है, और गम महसूस करने वाले लोगों के लिए खुशी मायने नहीं रखती, लेकिन पोएट कहते हैं जब ये दोनों बैलेंस्ड रहेगी तब लाइफ का असली मजा है। इज आवर डिस्टिंक्ट एंड और वे, हम ये केवल मानकर नहीं रह सकते बच्चों कि जो खुशियां और गम हमें मिल रही है वो सिर्फ हमारे भाग्य में निर्धारित है, इसलिए मिल रही है। But to act that each tomorrow, लेकिन हमको कर्म करते रहना है, अपना काम लगातार करते रहना है बगैर ये सोचे कि फल क्या आएगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा या बुरा आएगा, कुछ भी नहीं विचारना है। But to act that each tomorrow finds us farther than today, हम अपने काम से, अपने कर्म से, अपने वर्ड से आज जहां स्टैंड करते हैं, आने वाले कल में हमको उससे बहुत आगे जाना है। ये ध्यान में रख के हमें अपने काम को कंटिन्यूअसली करते रहना है। इस स्टैंजा में बच्चों पोएट हमसे कहते हैं कि खुशी, केवल एंजॉयमेंट और सोरो इज नॉट आवर डेस्टिनी, दिस इज नॉट, वी हैव टू वर्क एंड वी हैव टू वर्क इन सच अ मैनर दैट वी इन द कमिंग टुमारो We are ahead of what we were yesterday. In the world's broad field of battle, in the void of life, be not like dumb-driven cattle, be a hero in the strife. Broad bacho, vistrit. जिसका बहुत ब्रॉड स्कोप हो, विवॉइक यानी जो टेम्पररी कैंप होता है, अस्थाई पड़ाव, कैटल जानवर भेड़ बकरियां, स्ट्राइफ जो संघर्ष, जो स्ट्रगल हम करते हैं। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, पोएट लॉन्गफेलो ने इस स्टैंजा में वो दुनिया को, वर्ल्ड को एक ब्रॉड बैटल फील्ड में से कंपेयर किया है। उनके लिए ये दुनिया एक बैटल फील्ड है, युद्ध क्षेत्र है। इन द विवॉइक ऑफ लाइफ, जहां हम परमानेंटली नहीं रहते, हमेशा के लिए नहीं आते, टेम्पररी फेज है हमारा वहां, फिर वहां से हमें आगे जाना है। तो पोएट के अकॉर्डिंगली ये जो बैटल फील्ड है वहां हम टेम्पररी रहने आते हैं। Be not like dumb-driven cattle. तो जब हम यहाँ temporarily आते हैं, तो उन cattle की तरह, उन जानवर की तरह हमको नहीं रहना। बच्चों आपने देखा होगा
जो भेड़ बकरियां होती हैं, जो जानवरों का झुंड होता है, उसका आगे का लीडर जैसे चलता है, जिस रास्ते जाता है सारे उसके पीछे फॉलो करते हैं, उसी रास्ते जाते हैं। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग हमको वैसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि ह्यूमन लाइफ बहुत प्रेशियस है, हर किसी को ये जिंदगी नहीं मिलती। हमको कैसे रहना है वो पोएट हमें अगले लाइन में बता रहे हैं। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। जिंदगी है, संघर्ष है, स्ट्रगल है, तो हमें यहाँ एक हीरो के रूप में अपने को प्रेजेंट करना है। वो हीरो जिसको देखकर लोग उसका फॉलो करें, उसका अनुसरण करें। ऐसा नहीं कि हम किसी जानवर की तरह रहे, यूजलेस रहे, क्योंकि भगवान ने, ईश्वर ने, गॉड ने हमें इंटेलिजेंस दिया है, बुद्धि दी है, सोचने समझने की ताकत दी है, उसका हम इस्तेमाल करें और अपने आप को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। Let us then be up and doing with a heart for any fate. Still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. बच्चों, ये हमारे पोएम का लास्ट स्टैंजा है। यहाँ पोएट हमें क्या कहना चाहते हैं, आइए देखते हैं। Let us then be up and doing with a heart for any fate. Fate यानी भाग्य, किस्मत। Still achieving, still pursuing. Pursuing यानी पीछा करना, किसी चीज का अनुसरण करना, किसी चीज को फॉलो करना। Learn to labor and to wait. Labor यानी परिश्रम, मेहनत। इस स्टैंजा में बच्चों पोएट हमसे ये कहते हैं कि लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। उठो, जागो, काम करो। भाग्य में क्या है उसे सोच छोड़ दो, भाग्य पर छोड़ दो, वक्त पे छोड़ दो, तुम सिर्फ अपना काम करो। Still achieving, still pursuing. लगातार कुछ पाने की कोशिश करो, लगातार अपने लक्ष्य का पीछा करो। जरा भी एक पल अपने मन में डाउट लाए बगैर, संदेह लाए बगैर। Learn to labor and to wait. क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना, हम सिर्फ अपना लेबर कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, रिजल्ट को अपने मन मुताबिक हम मोड़ नहीं सकते। हमारा लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस पर हमें लगातार कंटिन्यूअस मेहनत करना होता है। ये नहीं कि आज हम लक्ष्य चूज किए और कल हम चाहते हैं कि रिजल्ट मिल जाए, आज बीज बोए और कल चाहते हैं कि वो बीज एक आम का पेड़ बन जाए, ये नहीं हो सकता, वक्त लगता है बच्चों। इसीलिए इस स्टैंजा में पोएट हमसे ये कह रहे हैं कि आप उठो, काम करो, ये मत सोचो कि भाग्य में क्या, सब कुछ भाग्य के भरोसे मत छोड़ो, क्योंकि हमारे हाथ में, मनुष्य के हाथ में, ह्यूमन बीइंग्स के हाथ में सिर्फ काम करना है, रिजल्ट हम अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते। द सम ऑफ लाइफ में बच्चों अभी तक हम लोगों ने पोएम का मतलब समझा, आइए अब जल्दी से इसको रिकैप्च कर लेते हैं और हम देखते हैं कि पोएम हमसे क्या कहना चाह रहा है। व्हाट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ, व्हाट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। पोएट पूछ रहे हैं कि ह्यूमन का गोल, लक्ष्य क्या नहीं होना चाहिए। ग्रेव इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। ह्यूमन है, जन्म लिए हैं, मरना तो है ही, लेकिन गोल हमारा वो ग्रेव नहीं है। ग्रेव इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। व्हाट एडवाइस डज द पोएट गिव द यंग मैन। पोएट नौजवानों को क्या सजेशन, क्या सलाह, क्या एडवाइस दे रहे हैं। द पोएट एडवाइसेस द यंग मैन टू वर्क ईच डे टू रीच द गोल। पोएट ये सजेशन दे रहे हैं, ये एडवाइस दे रहे हैं कि तुम हर एक दिन काम करो, हर एक पल काम करो, जिससे तुम अपने लक्ष्य को पा सको। व्हाट हैज द वर्ल्ड बीन कंपेयर्ड टू। पोएट ने इस दुनिया को किससे कंपैरिजन की है। इट हैज बीन कम
compared to battlefield. Longfellow ने इस poem में दुनिया को एक battlefield से compare किया, युद्ध भूमि से. How must we act in this world? Poet, कैसे चाहते हैं कि हम as a human being इस दुनिया में अपना काम करें, act करें? We must act like a soldier. Poet ये चाहते हैं कि हम इस दुनिया में एक soldier की तरह, एक योद्धा की तरह काम करें. What lesson does the last stanza give? It teaches us to work and wait for the result. इस पोएम की जो आखिरी स्टैंजा है वो हमें क्या मैसेज देती है? Learn to labor and to wait. ये हमें ये संदेश देती है कि हम काम करें और रिजल्ट का इंतजार करें, क्योंकि कल सिर्फ हमारे हाथ में है. Only the duty is in our hands, not its result. What is the poet's message? पूरे पोएम में पोएट हमको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? The poet's message is to live each and every moment of life fullest. इस पोएम में पोएट हमको ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम जिंदगी को, उसके हर पल को पूरी सिद्धता से जिए, उसको पूरा का पूरा जिए, कोई भी पल एक आइडल ना हो. बच्चों, हम लोगों ने द साम ऑफ पोएम देखा, पोएट के मैसेज को भी समझा. आइए अब हम जल्दी से इस पोएम के समरी को भी देख लेते हैं कि इस पूरे पोएम में पोएट हमसे क्या कहना चाह रहे हैं. वी फाइंड दैट इट इज वेरी इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेटिंग. इस पूरे पोएम को पढ़ने के बाद हम ये समझ पाए हैं कि ये बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत मोटिवेशनल है, प्रेरणादायक पोएम है जो हमें प्रेरणा देती है कि किस तरह से हम अपनी लाइफ जिए, जन्म और मृत्यु इसके बंधन से मुक्त होकर किस तरह से हम अपनी लाइफ जिए. कैसे जीनी है? हमको जीनी है एज अ हीरो, दूसरे के लिए प्रेरणा के रूप में हमको ये लाइफ जीनी है. एवरी लाइन ऑफ द पोएम कन्वेज द मैसेज वेरी क्लियरली That life is priceless. जो मानव जीवन है वो मूल्यवान है, valuable है. तो हमें क्यों इसको बेकार idleness में waste करें? क्यों इसे ऐसे ही बेकार जाने दें? क्यों ना कुछ ऐसा काम करें जो हमारे आगे आने वाले generations के लिए फायदेमंद हो? We should not spend it sitting idly. Rather, we have to try to achieve. Gain maximum out of this short life. Poet ने इस life, this world को battlefield से compare किया और हमारी life जो है यहाँ वो temporary phase में, permanent नहीं है. तो जो कोई नहीं जानता बच्चों कि हम कितने समय तक इस दुनिया में हैं, तो क्यों नहीं जो भी पल हमें मिला है उसका हम maximum utilization करें, मैक्सिमम देने की कोशिश करें, तभी हमारे ह्यूमन होने का, मानव होने का मतलब सार्थक होगा. तो बच्चों, ये पोएम थी द साम ऑफ लाइफ, जिसके पोएट थे हेनरी वुड्सवर्थ लॉन्गफेलो. बच्चों, ये पोएम द साम ऑफ लाइफ, जिसका मतलब है द सॉन्ग ऑफ लाइफ, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा, जिसके पोएट हैं हेनरी वुड्सवर्थ लॉन्गफेलो. इस पोएम में पोएट ने इस दुनिया को एक वॉर फील्ड से, विवॉक ऑफ लाइफ, बैटल फील्ड से कंपेयर किया है, जहां हम टेम्प्ररी रहने आते हैं, परमानेंट नहीं है. यहां हमको अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी होती है, हमें अपना ड्यूटी करना है होल हार्टेडली. ऐसा ही कुछ भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि तुम अपना कर्म करो, फल क्या है उसकी चिंता तुम छोड़ दो. क्यों? क्योंकि ड्यूटी सिर्फ तुम्हारे हाथ में. यू हैव ओनली द राइट टू डू योर ड्यूटी, द रिजल्ट डज नॉट लाई इन योर हैंड्स. बच्चों, आशा है आप लोगों को द पोएम द साम ऑफ लाइफ समझ में आ गई होगी. बच्चों,
आपको समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ ये सेशन, ये क्लास हम यहीं ओवर कर रहे हैं। स्टे फिट, स्टे सेफ। थैंक यू।